ये सबसे अच्छा आज तक का जिंदगी का नजारा होगा आपका, ये इतने सारे गोवंश का एक साथ। हाँ है वाह, कितने दूर तक होंगे? बस रोक लो यहीं पे, मैं तो ट्रक के ऊपर जा रहा हूँ। क्या बात है, ये श्री भाद्रिया गौशाला में 17,000 नंदियों का ये बाड़ा है, विशाल का ये बाड़ा। जहाँ तक देखोगे नंदी नंदी महाराज, जो इधर उधर से सब यहाँ पे एकत्र किए गए हैं। कोई भी आसपास में जहाँ भी नंदी होते हैं, जो रोडों पे घूम रहे होते हैं, उनको सबको यहीं पर लाकर छोड़ दिया जाता है। और किसी तरह की बिना सरकारी हेल्प के ये गौशाला चल रही है। कुछ आप जैसे महानुभाव होते हैं जो यहाँ पर चंदा दे देते हैं, दान दे देते हैं, उसकी सहायता से ये गौशाला चल रही है। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं नंदी के, उनके लिए मैनेजमेंट खोर बनाना और वो सब बनाना इनके लिए पॉसिबल है नहीं। इनके लिए अभी बस इतना ही संभव है कि ये यहाँ पर चारा इकट्ठा कर दें, उनके लिए चारा पहुँचा दे, बस इतना ही इनसे हो पा रहा है अभी। राम राम भाई। ऐसे वैसे इधर से इधर से लो, ये यहाँ से पकड़ लो इसको। आराम से इधर से पैर इधर दे देना, इसको ऊपर पकड़ लेना तुम इधर, बस अब आराम से ले। और इसको पीछे खड़े रहो, आप निकल जाएंगे इसके इधर। इधर इधर बस, ये मैं अभी ट्रक के ऊपर आ गया हूँ। और ये आप देख रहे हैं श्री भाद्रिया गौशाला, पूरे इस बाड़े में 17,000 से लेकर 18,000 नंदी हैं। मैं आपको थोड़ा सा उधर से दिखा देता हूँ, वहाँ पे भी एक ट्रक खाली हो रहा है अभी। और ऐसी ज़बरदस्त नज़ारा शायद ही आपने कहीं पे देखा होगा। ये ट्रक खाली हो रहा है, उसके पीछे भी बहुत सारे, उसको 5-6 जगह पे खाली किया गया है, बहुत सारे नंदी महाराज उधर हैं। और फिर जब उधर से हम नज़र जहाँ भी दौड़ाएंगे, ये देखिए नंदी महाराज, जहाँ भी जाएंगे नंदी महाराज हैं। ये इस तरफ भी देखिए आप, दूर तक जहां तक ये गाड़ी के पीछे, दूर दूर तक जहां देखोगे सब नंदी महाराज हैं ये। और यहां पे इनको खाना खिलाया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूं कि जो नंबर दिया गया है उस पे संपर्क करके जो भी आप हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, वो इस गौशाला के लिए जरूर करें। इतने नंदियों को पालने वाली सिर्फ एक मात्र गौशाला है जिसमें मैंने आज भ्रमण किया है। दो तीन पर ऐसी जगह और है, ये सिर्फ एक पॉइंट है ऐसा, ये सिर्फ एक पॉइंट है। और ऐसे ऐसे अभी 3 पॉइंट और बाकी हैं, यानी कि इतनी ही मात्रा में नंदी महाराज और भी अभी मौजूद हैं यहाँ पर। आप जहां देखोगे वहीं पे आपको नंदी महाराज दिखाई देंगे। वो दूर हैं, उनको भी दिखा देता हूं। दोस्तों हवा बहुत तेज चल रही है, शायद आपको कैमरे में डिस्टरबेंस हो रही होगी, मेरी आवाज़ भी साफ नहीं आ रही होगी इसमें।
ये दूर तक भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां तक मेरा भी कैमरा पहुंच नहीं पाएगा जूम करके। ऐसे ऐसे यहाँ पर 3-4 और भी ऐसे ही हार्ड दिखाई दे जाएंगे आपको। क्योंकि यहाँ पे खोर बना के खिलाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये भाई, राम राम भाइयों, राम राम, राम राम, ये सारे भाई यहाँ पर सेवा में जुटे हुए हैं। शायद हर कोई यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि दूर है अक्षेत्र में, तो आपको घर बैठे दर्शन हो रहे हैं नंदी महाराज के, लेकिन आपको थोड़ा सा जरूर सोचना चाहिए इनके बारे में। कैसे न कैसे करके आपको हेल्प जरूर करनी चाहिए अपने लेवल पे। अभी मैं दूसरे पहाड़े की तरफ जा रहा हूँ, ये तो आप लोगों ने देख ही लिया, अभी दिन भी ढलने वाला है।